उत्तर प्रदेश की अमेठी में जब डीएम ने काम में लापरवाही पाई तो न तारीख दी न सुनवाई की, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला सुना दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में औचक निरीक्षण के लिए गए डीएम अरुण कुमार ने कानूनगो को काम में लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। आज जो है तहसील मुसाफिर खाना का औचक निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जितने भी राजस्व से संबंधित जितने भी हमारे पटल हैं उन सबका निरीक्षण भी किया गया है और कर्मचारियों से भी इसमें सवाल जवाब इसमें किए गए हैं। मुख्य रूप से जो जिलाधिकारी के पेशगार हैं उनके पास में अपने कोर्ट केसेस का जो एक रखाव होता है उसकी डिटेल होती है वहाँ पर नहीं पाई गई है, इस संबंध में उनको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा रिकॉर्ड रूम का भी इसमें निरीक्षण किया गया है और गत वर्ष में जो आवंटन हुए थे कृषि आवंटन या आवास आवंटन उसकी पत्रावली की भी जांच की गई है और उसमें भी कई अनियमितताएं मिली हैं। इस संबंध में जो रजिस्ट्रार कानून हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो तहसील की अन्य जो व्यवस्था है उनका भी सभी बिंदु पर निरीक्षण किया गया है। दरअसल मुसाफिर खाना तहसील के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीएम अरुण कुमार औचक निरीक्षण के लिए गए और इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों की क्लास भी लगाई। निरीक्षण के दौरान डीएम काफी नाराज दिखाई दिए और जब रिकॉर्ड रूम की जांच की तो उसमें कई अनियमितता पाई तो तुरंत एक्शन लेते हुए ऑन द स्पॉट कानूनगो को सस्पेंड कर दिया। अमेठी से न्यूज के लिए अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट।